मैं डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डर्मा रोलर के ऊपर। सब लोग पूछ रहे थे कि डर्मा रोलर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आज मैं डर्मा रोलर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप के डर्मा रोलर होते हैं, उनको कैसे आप घर में बैठ के यूज़ कर सकते हो, और अकेले डर्मा रोलर वर्क करता है कि नहीं, या उसके साथ भी आपको कुछ इंग्रेडिएंट यूज़ करने चाहिए, तो वो सब भी मैं आज आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और पसंद आए तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये है डर्मा रोलर। ये तीन चार टाइप के आते हैं। एक होता है 0.5 mm, इसकी जो निडल होती है 0.5 mm होती है। एक होती है 1 mm, एक होता है 1.5 mm, और एक होता है 2 mm, और आने को 2.5 mm भी आते हैं, बट ये थोड़े डीप होते हैं, तो वो डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल होते हैं वही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। होम के लिए सजेस्टेबल नहीं है। अगर आप घर में यूज़ कर रहे हो तो 0.25 mm और 0.50 mm बस इतना ही यूज़ करें। ये वीडियो इसलिए भी है कि आप चाहे तो घर में भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप किसी प्रोफेशनल क्लिनिक में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो डॉक्टर जो भी हैं वो यूज़ करें तो वो किस किस टाइप के यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अगर चीज़ें पता होंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट करवा पाएंगे, थोड़ा उनको क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये काई काई यूज़ होता है जनरली अगर आपके चेहरे में कोई भी स्कार्स हों, अगर आप देखा होगा चेचा के गड्ढे हों या एक्ने स्कार हों आपके चेहरे में, तो उसके लिए डर्मा रोलर एक अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर लेज़र नहीं है तो हर किसी के पास लेज़र मशीन नहीं होती, और हर कोई पेशेंट या क्लाइंट लेज़र मशीन के पास नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि हर क्लिनिक में लेज़र मशीन नहीं होती। लेज़र मशीन बहुत कॉस्टली आती है। गोल्ड स्टैंडर्ड होती है CO2 फ्रैक्शन लेज़र जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक में, तो उसके रिजल्ट बेस्ट होते हैं बिकॉज इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड। बट अगर किसी के पास कोई ऐसे कहीं सिटीज़ या गाँव में रहता है, विलेज में रहता है, जहाँ पे लेज़र मशीन नहीं है, तो आप ये डर्मा रोल के थ्रू भी अपने खुद का भी इलाज कर सकते हो घर बैठे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे इलाज कर सकते हो। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 0.5 mm का डर्मा रोलर है, जिसकी कॉस्ट है अराउंड 300 के आसपास आती है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें निडल्स होती हैं। वट इज़ डर्मा रोलर? तो डर्मा मीन्स स्किन एंड रोलर मीन्स जो उसके ऊपर हम रोल कराते हैं। इसका यूज़ क्या है? तो ये जो 0.5 mm का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जनरली कुछ मेडिसिन होती हैं उनको इन्फ्यूज़ करने के लिए, उनको अंदर पहुँचाने के लिए जनरली ये यूज़ होता है। तो अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करना चाहते हो, अपनी स्किन को एकदम जवान बनाए रखना चाहते हो, या कुछ वाइटनिंग सप्लीमेंट आप चाहते हो कि आपकी स्किन को आप इन्फ्यूज़ करो, और जो भी आप क्रीम्स या कुछ भी सीरम्स यूज़ करते हो चाहते हैं इवनली और बहुत अच्छे से स्किन के अंदर पहुंच पाए, तो ये डर्मा रोलर बहुत असेंशियल है आपके लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट टाइप के डर्मा रोलर होते हैं, इनमें आप देखेंगे तो बहुत सारी निडल्स हैं, इनमें निडल्स होती हैं बहुत सारी आप देखेंगे। तो इसमें ये निडल्स क्या करती हैं, एक छोटा सा इंजेक्शन का काम करती है। जब आप इसको इस टाइप से रोल करते हो स्किन के ऊपर, तो ये जो भी मेडिसिन इसको इन्फ्यूज़ करती है स्किन के अंदर। पहली बात, ये 0.50 mm का डर्मा रोलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। डॉक्टर्स जो जनरली आप क्लिनिक में जाओगे तो वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग डर्मा रोलर यूज़ करते हैं, वो 1 mm के होते हैं या वो होते हैं 1.5 mm। अगर आपको डीप स्कार हैं, अगर आपको चेहरे में गड्ढे हैं, स्कार हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। तो अगर आप घर में ही यूज़ करना चाहते हैं, जो मैं आज बताने वाला हूँ कि आप घर में कैसे डर्मा रोलर को यूज़ करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए स्टर्लियम। ये आपको पूरे अपने हाथों को क्लीन करना है, ओके। पूरा आप अपने हाथों को क्लीन करिए, अपने फेस को क्लीन करिए। आप स्टर्लियम लीजिए, ये पूरा डिसइंफेक्ट करता है। ये आपको ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। आपको इस तरीके से आपको पूरा डिसइंफेक्ट करना है एरिया को। ओके, आपको ये थोड़ा सा आपको स्किन को इचिंग इरिटेट कर सकता है, तो आपको ये यूज़ करना है। इसके बाद आपको ये करना है, एक ये डोलोकिन क्रीम आती है, ओके, इट्स अ डोलोकिन क्रीम, इट्स अ लिडोकिन एंड प्रालोकिन क्रीम। ये टॉपिकल एनेस्थीशिया क्रीम है। ये जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज किसी किसी को वैसे तो 0.5 mm में जब आप यूज़ करते हो तो आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, बट अगर फिर भी आप थोड़े पेन सेंसिटिव हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसकी मोटी लेयर लगाना है, मैं जैसे डेमो दे रहा हूँ इसलिए मैं इसकी थिन लेयर लगा रहा हूँ। ये क्रीम डॉक्टर आशीष कितने की आती है?
ये अराउंड 700 की क्रीम आती है, 30 ग्राम की क्रीम आती है, बड़ी ट्यूब आती है, तो आपको उसकी अच्छी सी मोटी लेयर लेना है डोलोकेन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दूंगा, आप चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं। ये एनेस्थेटिक क्रीम है, टॉपिकल एनेस्थीशिया कहते हैं इसको, टॉपिकल एनेस्थेटिक क्रीम है, इसमें लिडोकेन एंड प्राइलोकेन है, 2-2% है, तो ये आपकी स्किन को सुन कर देगा। आपको इस तरीके से पूरी ये क्रीम अप्लाई करना है, थिक लेयर। ये अप्लाई करने के बाद आपको 20 से 25 मिनट बैठना है, ओके? तो मैं यहाँ पे 20 से 25 मिनट नहीं बैठने वाला हूँ ये, और मेरे को इतना पेन होता भी नहीं है। तो जस्ट मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना चाहिए। इसकी एक मोटी लेयर लगानी है डोलोकेन क्रीम की, और इसके बाद आपको 20 से 25 मिनट उसको लगा के रखना है। रिमेंबर, आपको रखना है लगा के, तो ही उसका असर होगा। ऐसे नहीं आपने लगाया और रिमूव कर दिया। मैं अभी जस्ट इसको रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बना रहा हूँ, तो और मुझे पेन होता नहीं है ज़्यादा, तो मैं इसको लगा रहा हूँ। उसके बाद आप इसको इस तरीके से, इसके साथ स्पेशल आता है, आप स्पेशला से इसको क्रीम को रिमूव कर दीजिएगा और एक टिश्यू पेपर ले लीजिएगा, और इसमें आप, मैंने इसको पूरी क्रीम को निकाल के और निकाल दिया है, और इसके बाद आप इसको थोड़ा सा वाइप ऑफ कर सकते हो थ्रू टिश्यू पेपर। पहला स्टेप था स्टरलियम, ओके? ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, डोलोकेन भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती तो आप वेबसाइट से ले सकते हो, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, परचेस कर सकते हो। और इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको बीटाडीन से क्लीन करना आपका फेस, ओके? बीटाडीन ये डिस इन्फेक्शन करेगा आपकी स्किन की लेयर में। कोई भी कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट करें तो आपकी स्किन की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा। तो आप प्रॉपरली क्लीन करें फेस को, ऐसा नहीं कि आपने जस्ट उठाया और मुंह धोया साबुन से और चालू कर दिया कोई भी ट्रीटमेंट, नहीं, यू हैव टू क्लीन इट प्रॉपरली, ओके? इसको क्लीन करिए, एक बार क्लीन करा, इसके बाद आई एम जस्ट गोना यूज दिस ग्लव्स बिकॉज मेरी स्किन का सवाल है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे हाथ में कोई बैक्टीरिया है, वैसे तो मैंने स्टेरिलियम यूज कर लिया था, बट फिर भी आप ग्लव्स ले लें, मार्केट में आपको इजिली ग्लव्स मिल जाएगा, एक ग्लव्स का पैकेट ले लो और उसको आप इस तरीके से पहन लो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला होगा, क्योंकि ये आपके, अगर यही ट्रीटमेंट आप किसी क्लिनिक में कराएंगे, किसी भी कॉस्मेटिक या किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में जाएंगे, तो आपको मिनिमम 5-6,000 अगर ये प्रॉपर अच्छे सीरम यूज कर रहे हैं तो वो चार्ज करेगा कोई भी डॉक्टर। तो ये आपको मैं घर बैठे बता रहा हूँ कि किस तरीके से 300 रुपये के डर्मा रोलर से और कुछ सीरम जो मैं जिनकी कॉस्ट बताऊंगा, आप उससे अपने घर बैठे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑल्दो ये इतना सस्ता भी नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आप घर बैठे हैं। इसके बाद आप ग्लव्स पहन लीजिएगा, आप चाहें तो स्टार्टिंग से भी ग्लव्स पहन सकते हैं, बट एक बार मैंने क्लीन करके और फिर इसको मैं दोबारा से क्लीन कर रहा हूँ बीटाडीन से ही। एक मिनट तक बीटाडीन को लगा के रखिएगा, बिकॉज बीटाडीन को वर्क करने में एक मिनट लगता है, ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल सब कुछ एज अ क्लीन आउट क्लियर आउट कर देगा, ओके? नाउ इट्स क्लीन, 20 से 25 मिनट डोलोकेन को लगाना है, ओके? नाउ आप एक सिरिंज लीजिएगा, इस टाइप की सिरिंज। अभी मैं बहुत सारे, मेरे पास डिफरेंट बहुत सारे कॉकटेल्स हैं, इट्स अ मीजोथेरेपी मीजो कॉकटेल। व्हाट इज मीजोथेरेपी? मीजोथेरेपी इज नथिंग लाइक, बट आप कोई भी कॉकटेल मीजो लेयर में इंजेक्ट करो, दैट्स कॉल्ड मीजोथेरेपी। तो मेरे पास यहाँ पे एक है न्यूक्लियोवाइटल, ये बहुत कॉस्टली और बहुत अच्छा है, ये 3,500 रुपये की एक वायल आती है, 3 ml की एक वायल है, 3,500 रुपये में 3 ml की वायल है, आपको एक बार में 1 ml यूज़ करना है। तो ये आपको 1 ml और हार्डली 1.5 ml यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप 1 ml यूज़ करते हो तो ये आपको 3 सेशन चलेगा, और अगर आप 0.5 ml यूज़ करते हो तो आपको ये 6 बार चल जाएगा, ये 3,500 रुपये का आता है। ये बेसिकली ओपन पोर्स अगर आपको है तो ओपन पोर्स में बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें DNA एक्टिव है, इसमें PDRL है जो आपकी स्किन को स्टिमुलेट करता है, फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है और न्यू स्किन सेल बनाता है जो बेसिकली हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देते हैं, तो ये उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, इट्स वेरी गुड। मतलब ये अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं, आपने 4-5 बार अप्लाई कर लिया, डर्मोरोलर आपको एवरी 15 डेज यूज़ करना है, हर 15 दिन में आपको डर्मोरोलर की सेटिंग लेनी है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। और आपको अगर 15-15 दिन में लगाते हैं और 4-5 बार या 6 बार लगाते हो तो आपकी स्किन एकदम रिज्यूवनेट हो जाएगी, आप अराउंड 5 ईयर्स बैक पहुँचाओगे, आपके मतलब 5 साल पीछे हो जाएगी आपकी स्किन, स्किन एकदम टाइट हो जाएगी, हाइड्रेट हो जाएगी इसमें, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड है तो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा। ये है ये न्यूक्लियोवाइटल, ओके? दिस इज अ न्यूक्लियोवाइटल, मैं इसकी लिंक नीचे डाल दूंगा।
और दूसरा है मेला एसेंस। अगर आपको मिलेज्मा है, मिलेज्मा जो हार्मोनल होता है, बटरफ्लाई पैचेस होता है, तो ये मेला एसेंस उसके लिए यूज़ होता है ये। और वाइटनिंग के लिए भी ये यूज़ कर सकते हो, अगर आपको वाइटनिंग चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो आपकी स्किन वाइट कर देगा। और एक है बी लिफ्ट ईजीएफ कॉम्प्लेक्स, इसमें ईजीएफ है और साथ में ये लिफ्टिंग इफेक्ट देता है, तो आपके स्किन को लिफ्टिंग इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप ये बी लिफ्ट ईजीएफ वाला कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हो। और रेडियंस सीरम, अगर आपको बहुत चाहिए में चमक चाहिए, अगर आपको चाहिए कि एकदम ग्लोई स्किन हो जाए और सब कुछ, तो आप ये रेडियंस सीरम यूज़ कर सकते हो। ये सब 3-3 ml की ऑयल है, हार्डली हाफ ml यूज़ होता है एक बार में, और अच्छा ज़्यादा चाहिए तो आप 1 ml भी यूज़ कर सकते हो, बट एक ये 3 ml की ऑयल है, आपको 3 sitting मिनिमम चलेगी अगर आप 1 ml यूज़ करते हो, और एल्स आपको 5-6 sitting भी चल सकती है, डिपेंड करता है आपके कंजम्पशन के ऊपर। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक इस टाइप का से लूँगा, आपके सिरिंज से इसको निकालना है, आप देख लीजिए 0.5 ml लेना है, मैं 0.5 ml ले रहा हूँ, इसको बहुत ईजिली आपने फिल करा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसको जस्ट लेना है और पूरे में अप्लाई कर लेना है। ये आपको आप ब्रश से भी फैला सकते हो, आप ब्रश से भी लगा सकते हो, जस्ट इसको अप्लाई करना है। मैंने 0.5 ml लिया है अभी, और इसको आप अप्लाई करके ना मेन, अभी आपने अप्लाई किया है बिकॉज आपके स्किन पोर्स क्लियर आउट है, अभी आपने अप्लाई कर दिया, और अभी आप इसको चलाना है, आपको इसको हर डायरेक्शन में चलाना है। ये बेसिकली माइक्रो इंजरी कर रहा है, साथ में ये इंजेक्ट भी कर रहा है, अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तो ये आपके बेसिकली इंजरी क्रॉस करेगा, साथ में वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, खून का फ्लो बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ओपन पोर्स है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको गड्ढे हैं आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसको आपको प्रेशर देना है और अप्लाई करना है, अगर आपको स्कार है तो आप वहाँ पे ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने इसमें सीरम इंजेक्ट किया है और सीरम डाला है, तो बेसिकली क्या कर रहा है कि इसमें जो सिरिंजेस हैं, इसमें 560 सिरिंज है, 560 सिरिंज है जो एक साथ मेरे स्किन में मेडिसिन को इन्फ्यूज़ कर रही है। ये माइक्रो इंजरी कॉज कर रहा है जिससे मेरी स्किन में रिकवरी होगी, कोलेजन डैमेज होगा तो न्यू रिकवरी होगी। जस्ट लाइक ये मेरी बोन है, एक बार बन गई बोन तो बन गई, ये दोबारा तभी बनेगी जब इसमें फ्रैक्चर होगा तो ये दोबारा बोन रिमॉडलिंग होगी। सेम हमारे स्किन में कोलेजन होता है और लास्टिन होता है जो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, ये एक बार बन गया तो बन गया, जैसे जैसे हमारी हम बाहर जाते हैं हमारी स्किन में डैमेज होता है, तो ये दोबारा तभी बनेगा जब हम इसको डैमेज करेंगे। तो डैमेज हम कैसे कर रहे हैं, इस डर्मा रोलर से कर रहे हैं। तो जितने लोगों को डर्मा रोलर के ऊपर क्वेश्चन था कि कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है डर्मा रोलर, अकेला डर्मा रोलर भी आप करोगे तो भी ठीक है, बट तो अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके साथ आप जो इंग्रेडिएंट इन्फ्यूज़ कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या उसमें साथ में डाल रहे हो, बिकॉज ये जो मेडिसिन है ये आपके स्किन में जाके, अच्छा आई के एरिया में थोड़ा आपको सावधानी रखना है, प्यार से करना है क्योंकि अपनी स्किन है, पड़ोसी की स्किन नहीं है, ठीक है। आप थोड़े विग्रसली यहाँ पे साइड में कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे उतना ज़्यादा वो मेडिसिन को इन्फ्यूज़ करेगा। जैसे मैंने 0.5 ml एक बार लिया था, 0.5 ml मैं इसको वापस से ले सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको लगाने के लिए मैं वापस लूँगा, और इसको आप चाहो तो किसी डब्बे में लेके और फिर ब्रश, क्लीन ब्रश से भी आप ले सकते हो ताकि वो वेस्ट ना हो। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं जस्ट एक डेमो दे रहा हूँ आपको, उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है। ओके, जो याद रखिएगा, ये मेडिसिन इन्फ्यूज़ करने के बाद उसको रात भर आपको छोड़ना है, फेस मत वॉश करिएगा, अगर फेस वॉश कर देंगे तो ये पूरा धुल जाएगी, जो मेडिसिन है इट्स वेरी कॉस्टली, तो ये आप प्रॉपरली इसको इन्फ्यूज़ होने दें और इसको जस्ट करते जाइए। आपको स्ट्रेट करिएगा, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डायगोनली, हर एंगल में आपको इसको करना है विथ लिटिल प्रेशर। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर दे सकें, जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे आप उतना ये ज़्यादा अंदर इन्फ्यूज़ होगा, और जितना ज़्यादा अंदर ये इन्फ्यूज़ होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो बहुत कॉस्टली है और बहुत इफेक्टिव है। तो यही मेडिसिन को हमें इन्फ्यूज़ कराना है, डर्मा रोलर के थ्रू आप मेडिसिन को इन्फ्यूज़ कर रहे हो। दूसरा होता है मीजोथेरेपी, जिसमें हम इंजेक्शन के थ्रू हम इसको इंजेक्ट करते हैं मल्टीपल साइट पे, तो बिकॉज वो पॉसिबल नहीं कि आप घर पे बैठ के इंजेक्ट कर सकें, तो ये डर्मा रोलर आपके लिए बेस्ट है, वो भी 0.50 ml का लेना है आपको।
अगर आपको और ज़्यादा अभी अगर आपको बहुत ज़्यादा स्कार है तो आप किसी भी क्लिनिक पे जाएंगे डॉक्टर्स की, तो वो आपको 1.5 mm यूज़ करेगा अगर डीप स्कार है, और वैसे भी तो सब जनरली 0.5 mm ही यूज़ करते हैं। तो आपको 10 से 15 मिनट आप इसको कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितना इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक, तो ये जस्ट किया मैंने, अभी मैं क्लीन नहीं करूँगा, ओके, मैं इसको जस्ट अप्लाई करके एज इट इज छोड़ दूंगा फॉर ओवरनाइट, रात भर के लिए। इसके बाद मैं क्या सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप चाहो तो इस टाइप के कुछ विटामिन सी सीरम आते हैं, इट्स अ वेरी गुड विटामिन सी सीरम, आप ये जो सीरम है आप इसको लीजिए और डेली नाइट में अप्लाई कीजिए, और डे में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो ये आपके स्किन को रिजुवेनेट कर देगा। अब आफ्टर 20 एज आपको स्किन केयर करना चालू कर देना चाहिए, बिकॉज एक्यूमेटेड डैमेज होता है। ये है मेला सीरम, मेला आरएक्स सीरम, जो मिलेजमा और वाइटनिंग के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा सीरम है। ये सारे सीरम आपको www.lescomic.com पे मिल जाएंगे, मैं सबकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। तो आप ये हार्डली, ये भी फुल बॉटल आती है, 3,500 रुपये की बॉटल है एक है, और ये भी है, और ये अराउंड मेरे ख्याल से 30 ml है। तो अगर आप 0.5 ml डेली लगाते हो तो ये 60 days, मतलब 2 महीने चलेगी एक बोतल, अगर आप 0.5 ml डेली लगाते हो तो। डेली नाइट में लगाना है, और स्पेशली आफ्टर, इसमें साथ में ये ड्रॉपर भी आता है, तो आप ड्रॉपर से निकाल के लगा सकते हो, और इसको लगा के फॉलो करना है। ये जो डर्मा रोलर मैंने किया, इसको जस्ट लगा के आपको छोड़ना है, वॉश नहीं करना है फेस, रिमेंबर वॉश नहीं करना है, लगा रात भर लगा के छोड़ना है, और 15 दिन में एक बार करना है, 15 डेज में एक सेटिंग करनी है आपको। रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छे सीरम साथ में यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ इंजेक्ट मत कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ अप्लाई मत करिएगा, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है। आप प्लेन डर्मा रोलर घुमा लेना, बट कोई भी चीज़ इंजेक्ट मत करना अनटिल और अनलेस आपको पता है कि वो इंजेक्ट की जाती है या नहीं। जस्ट जनरली बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो डर्मा रोलर खरीद लेते हैं और घर में बैठ के कोई भी चीज़ क्रीमों को इन्फ्यूज़ करते रहते हैं, फिर उनको रिएक्शन रहते हैं। तो प्लीज़ मेडिकेटेड चीज़ें जो उस चीज़ के लिए बनी हुई हैं वही इंजेक्ट करिए, वही आपको रिजल्ट देगी, बिकॉज वो उस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि वो आपको रिजल्ट दे। तो ये जो डर्मा रोल का छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, जो छोटा सा नहीं रहा, बहुत बड़ा बन चुका है, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा बन, सही में बहुत बड़ा बन गया है। तो प्लीज़ इसको, अगर आपने लास्ट तक अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और रिजल्ट मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे व्हाट्सअप तो नहीं कर पाओगे आप लोग, इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मेरी आईडी है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। तो मैं एक बार और फटाफट बता देता हूँ, सबसे पहले आपको स्टेरियम से क्लीन करना है। स्टेरियम से क्लीन करने के बाद आपको ये प्रीलॉक्स क्रीम है, उसको प्रीलॉक्स या डोलो के नाम कोई भी क्रीम अप्लाई कर सकते हो, टॉपिकल एनेस्थीसिया। इसके बाद आपको बीटाडीन से क्लीन करना है, जो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है। इसके बाद आपको ये सीरम जो है न्यूक्लियोवाइटल, अगर आपके ओपन पोर्स हैं, आपको स्किन को एकदम चाहते हो एकदम टाइट, उसके बाद आपको ये न्यूक्लियोवाइटल यूज़ करना है। ये बेसिकली अगर आपको ओपन पोर्स हो रहे हैं, अगर आपकी स्किन लूज हो रही है, तो ये आपकी स्किन को एकदम टाइट कर देगा। ये बहुत अच्छा सीरम है न्यूक्लियोवाइटल, जो ओपन पोर्स और स्किन को टाइटनेस और फर्मनेस देने के लिए होता है। इसके बाद आप चाहो तो इसके साथ मिक्स कर सकते हो मेला एसेंस, ओके, आप दोनों को मिक्स कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी ले सकते हो, आप दोनों को मिक्स करके शरीर में मिक्स करके अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो ये मेला एसेंस जो है, मेला आरएक्स एसेंस है, ये मेलेज़मा और वाइटनिंग के लिए यूज होता है। और अगर आपको चाहिए कि लिफ्टिंग इफेक्ट चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो, बी लिफ्ट कॉम्प्लेक्स इज वेरी गुड फॉर लिफ्टिंग। और एक है रेडियंस सीरम, जो शाइनिंग देता है, चमक देता है, और आप चाहें तो इन सबको मिक्स करके कॉकटेल बना के भी यूज़ कर सकते हो, तो सबके इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। इनकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, इसकी कॉस्ट है, और इनकी कॉस्ट है अराउंड 3,000 रुपीज पर वाइल, जो कि अगर आप 0.5 ml भी यूज़ करते हो तो अराउंड 6 times चलेगा, 3 ml की एक वाइल है। तो 3,000 का एक है, 300 रुपये का ये है डर्मा रोलर। आप घर बैठे हार्डली आपको 6 sitting हुई तो 500, और ये आपको एक ही बार यूज़ कर, ओके, आप ये एक बार परचेस करेंगे तो ये इस वाइल के, इन वाइल के साथ एक डर्मा रोलर फ्री आता है। तो अगर 3,500 का ये वाइल लेते हो तो 300 रुपये का ये डर्मा रोलर फ्री आएगा, जो आपके 4-5 बार चलेगा। इसको क्लीन करना है आपको, ओके, ऐसे नहीं कि लगाया और करके छोड़ दिया, इसको प्रॉपरली इसके बाद स्टेरियम से क्लीन करके इसको प्रॉपर बॉक्स में रखिएगा, और जब भी नेक्स्ट टाइम आप यूज़, इसको सेव करके रख दीजिए और डेट लिख दीजिए आपने कब यूज़ किया। इसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम लेंगे तो इसको ऐसे खोलिए
लीजिएगा, यूज करने के पहले स्टरलियम से वापस क्लीन करना है और बीटाडीन डाल दीजिएगा उसके ऊपर और उसको डुबो के थोड़ा 10 से 15 मिनट रख दीजिए ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। आप एक रोलर को 3 से 4 बार यूज कर सकते हो बिकॉज इसके बाद आपको यूज नहीं करना है, इसमें जो सिरिंज होती है वो ब्लंट हो जाती है तो फिर आपको ज्यादा पेन करेगा और ज्यादा वो आपकी स्किन ज्यादा डैमेज कर देगा, वो इंजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जस्ट आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। आप चाहे तो ये सारे चारों कॉकटेल भी अपना कॉकटेल मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो, बना सकते हैं, अपना चारों का कॉकटेल बना के खुद से कॉकटेल बना के यूज कर सकते हैं, आपको सब इफेक्ट मिलेगा। ये आपको 15 दिन में एक बार यूज करना है, इसके बाद लगाने के बाद इसको हर डायरेक्शन में आपको चलाना है रोलर को प्रेशर देके, बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा प्रेशर देने में बिकॉज जितना अच्छा प्रेशर देंगे वो उतने अच्छे से जाके मेडिसिन को इन्फ्यूज करेगा तभी रिजल्ट मिलेगा। याद रखिए रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप इसको प्रॉपरली इन्फ्यूज करेंगे और इस तरीके से आपको रिदमा हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी, तो डरिएगा मत, ये 1-2 दिन चल सकती है। और आफ्टर दिस आप ये चाहे तो रिजुविटा सीरम जो विटामिन सी सीरम है आप ये अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको फाइटिंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए और आपको मेलास्मा अगर वो चाहिए तो मेला आरएक्स सीरम आप ये अप्लाई करिए डेली नाइट में, तो ये उसको एनहेंस कर देगा इफेक्ट को। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू शेयर मी शेयर माय वीडियो और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर। सो स्टे ट्यून्ड, बाय, सूख गया सब कुछ।